नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्णिमा और आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई। आग इतनी तेज थी कि लोग चाहकर भी ट्रक ड्राइवर को जलने से नहीं बचा सके। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सरगांव थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि बिलासपुर से कोयला लेकर ट्रक क्रमांक छत्तीसगढ़ 4NJ8183 रायपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान सरगांव के पास ही नेशनल हाईवे पर स्पंज आयरन से लदा ट्रक भी खड़ा था। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कोयले से भरे ट्रक को ड्राइवर ने सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे खड़ी गाड़ी से लोहे के रॉड निकलकर पीछे गाड़ी के चालक के शरीर के अंदर घुस गया। जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उसमें कोयला भरा होने के कारण उसमें तुरंत आग लग गई। ऊपर से ड्राइवर के शरीर में लोहे की रॉड घुस जाने के कारण वो बुरी तरह से फंस गया और जिंदा ही जल गया। उसे गाड़ी से बाहर निकालने का भी मौका नहीं मिल सका। इधर जिस ट्रक को टक्कर मारी गई थी उसमें ड्राइवर नहीं था। चूंकि उसके ट्रक का ब्रेक डाउन हो गया था तो वो सड़क पर गाड़ी खड़ी करके मैकेनिक के पास गया था, इसलिए उसकी जान बाल बाल बच गई। वहीं बीच सड़क पर ट्रक में भीषण आग लगने से रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से काबू पाया। सरगांव थाना प्रभारी ने बताया कि जिस ट्रक ड्राइवर की मौत हुई है उसका नाम संदीप कुमार साहू था, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी तहसील का रहने वाला था। पुलिस ने यह भी बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियों को बुलवाया गया। बुधरी नगर पंचायत पथरिया और मुंगेली से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर का शव पूरी तरह से जल चुका है, केवल कंकाल नजर आ रहा है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है।